मैं तमाम अपने मुकर्ररीन से ये बात गुजारिश करूंगा कि मुख्तसर आप करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मेहमान जो है वो बोल सके। यह 5 मिनट है। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। आज 11 अगस्त है और आज हम पार्लियामेंट हाउस में नेशनल माइनॉरिटीज डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, इन 75 साल तारीख में क़यामे पाकिस्तान से लेकर आज के दिन तक पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख में यह पहला मौका है कि नेशनल माइनॉरिटीज डे को पार्लियामेंट हाउस में मनाया जा रहा है और ये मौजूदा जो कोलिशन गवर्नमेंट है ये उसको क्रेडिट जाता है, वरना पिछले 4 साल भी हमारे सामने हैं। उस तारीख में मैं नहीं जाना चाहता। और जनाब स्पीकर, आपने कल भी मेरी आपके साथ आज के प्रोग्राम के हवाले से डिटेल में गुफ्तगू शनीद हुई, प्लान किया, और आज जिस तरीके से आपने अक्रॉस द बोर्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से अराकीन असेंबली को चारों सूबों से आपने दावत दी, आपने बुलाया, मैं ये समझता हूं ये जो एक गुलदस्ता आपने सजाया है इसका इसका जो चेहरा मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम इत्तेहादी जमातों के को जाता है। जनाब स्पीकर, मुख्तलिफ दोस्तों ने, अराकीन पार्लियामेंट ने अकलियतों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल का जिक्र किया। मैं उन इशूज को दोहराए बगैर मैं सिर्फ एक दो इशूज पर आपसे बात करना चाहूंगा। जनाब स्पीकर, क्या मैं पाकिस्तान से लेकर आज के दिन तक पाकिस्तान में बसने वाली मजहबी अकलियतों ने तालीम का शोबा हो, सेहत का शोबा हो और पाकिस्तान को बनाने का जो है वो मामला हो, पाकिस्तान की मजहबी अकलियतों ने हमेशा अपने तन मन धन से इस मुल्क की खिदमत की है। और अगर आप दिफाई पाकिस्तान को ले लें, ग्रुप कैप्टन फैसल चौधरी का नाम कौन नहीं जानता। अगर आप पाकिस्तान की जुडिशरी को ले लें तो एआर कॉर्नेलियस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम कौन नहीं जानता। और जनाबे स्पीकर, मैं सिर्फ आज एक बात मौजूदा पार्लियामेंट में जो है वो रिवाइज कराना चाहूंगा, रिफ्रेश कराना चाहूंगा मौजूदा पार्लियामेंट को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कि 11 अगस्त 1947 ईस्वी का जो खिताब था, कायदे आजम चाहते क्या थे। उस दिन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि रंग, नस्ल, मजहब, अकीदे का कारे मुमलकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा और उस मुमलकत का नाम जो है अवामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। मैं और ये जो जिम्मेदारी है मौजूदा पार्लियामेंट को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो महसूस करने की जरूरत है। और अब जबकि जनाब स्पीकर कोलिशन गवर्नमेंट है, मैं ये समझता हूं जो हमारे मेरे लिए बड़े ये आजाद की बात है कि आज जो दिन हम मना रहे हैं ये सदर आसफ अली जरदारी ने, वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी साहब ने और उस वक्त जो वजीर अकलीती अमूर थे शहबाज भट्टी की काविशों के साथ जो माइनॉरिटीज डे जो है वो बनाया गया। मैं आई फील प्रिविलेज, आई फील प्राउड के सेनेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की मजहबी अकलीतों के लिए नोगो एरिया बनाया गया था। वो चार जो सेनेटर्स की सीटें हैं चारों सूबों से वो
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में मुख्तस की गई। 5% जो कोटा है तमाम सरकारी और नीम सरकारी नौकरियों में मुख्तस किया गया, और इसके अलावा होली, दिवाली, क्रिसमस, ईस्टर, इस तरीके से जो मजहबी त्योहारों मजहबी जो त्यौहार हैं अकलियतों को उसको उनको सरकारी सतह पर मनाने का जो है वो एहतमाम किया गया। ये मैं ये समझता हूँ ये भुटोइज्म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लेड जो गवर्नमेंट है उसका 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 और इसका आज हमें जिक्र ना करूं तो मैं ये समझता हूं यौम अकलियत के दिन ये तारीख के साथ बहुत बहुत बड़ी जो है वो ज्यादती होगी। और जनाब स्पीकर इश्यूज बहुत ज्यादा हैं लेकिन मैं सिर्फ मुख्तसर बात करना चाहूंगा। मौजूदा जो तरीका इंतखाब है उसमें पाकिस्तान की मजहबी अकलियतों में एक बहस है कि ये हम इलेक्शन चाहते हैं। मैं ये समझता हूं कि मौजूदा मखलूत तर्ज इंतखाब के बाद आज एक मुस्लिम जो कैंडिडेट है वो बाहर का लूने में जाता है, वो यूहन्नाबाद में जाता है, वो दूसरी बादियों में जाता है। मौजूदा तर्ज इंतखाब से जो माइनॉरिटीज की इंपॉर्टेंस में इजाफा हुआ है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अकलियतों को जैसे हमारी कश्मीरी भाइयों को दोहरे वोट का हक है, हमें भी राइट ऑफ ड्यूल वोट दिया जाए और जो हमारी सीटों को बढ़ाया जाए।